तो देखिए 2.2 का 8th क्वेश्चन है। यहाँ इस फॉर्म में दिया हुआ tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो हमें यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है, तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो पहले ये जो ब्रैकेट वाला जो है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड और दोनों में डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, इसको डिवाइड करेंगे हम cos x से और होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, और इसको भी डिवाइड करेंगे हम cos x से। तो देखिए हमने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड कर दिया। अब इसको आपको सेपरेट कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस सॉरी प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। ठीक है, समझ में आया। अब ये कॉज कॉज कट जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम टेन इनवर्स वन माइनस साइन बाय कॉज टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस वन प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हमें फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हम टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए क्या था वो फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स होल ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। यदि हम x ले लें वन, यहाँ से अगर x ले लें वन और हम y सॉरी x ले लें वन और y को ले लेते हैं tan x। ठीक है, यदि हम यहाँ पे रख दें एक वन की जगह x रख दें और tan x की जगह y रख दें, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यही वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो यहाँ पे 1 प्लस टेन एक्स है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो अब इसको अगर इस फॉर्मूले से हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा, ये जो है सिंपली इट विल बिकम टेन इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स tan x। ठीक है, y क्या है, tan x आ रहा है। तो ये देखिए, अब इस tan इनवर्स 1 का हमें पता है इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4, बिकॉज tan पाई बाय 4 1 होता है, तो ये तो पाई बाय 4 हो गया। tan इनवर्स ऑफ tan x सिंपली हो जाएगा x, तो ये है ये फाइनल आंसर। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 4 पाई बाय 4 माइनस x।